गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में पहले चैप्टर में जो ये जो है टॉपिक अल्पविराम का प्रयोग उसके बारे में देखेंगे। तो अल्पविराम कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं कि 5225 ऐसे लिखते हैं, तो इसमें कहाँ अल्पविराम आता है? तो ये जो संख्या है ये इकाई का अंक है, ये दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ पे अल्पविराम कहाँ पे आता है? तो जो ये अल्पविराम के लिए यहाँ पे दो पद्धति है। कौन सी दो पद्धति है? तो पहली पद्धति जो है वो भारतीय पद्धति है। कौन सी पद्धति? तो वो भारतीय पद्धति है। भारतीय पद्धति है। और दूसरी जो पद्धति है वो है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी कि दो पद्धति से हमको अल्पविराम लगाना आना चाहिए। अब भारतीय पद्धति में कैसा होता है? जैसे कि 7 अंक की संख्या हो, जैसे कि हमको दिया है 4, 5, 7, 0, 8, 2 और 6 ऐसा दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 6 है उसको इकाई का अंक बोलते हैं, फिर ये जो है उसको दहाई का अंक बोलते हैं, फिर ये जो है सैकड़ा या फिर 100 बोलते हैं, 100 बोलते हैं ना, फिर ये 0 जो है उसको हम हजार बोलते हैं, फिर ये जो है उसको 10,000 बोलते हैं, फिर ये जो है उसको हम लाख बोलते हैं, और ये जो है उसको 10,00,000 बोलते हैं। ऐसे तो ये जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, उस तरफ से हम उसको देखते हैं। अब भारतीय पद्धति जो है, भारतीय पद्धति में क्या होता है कि जो पीछे वाली 3 संख्या जो होती है उसके बाद से अल्पविराम चालू होते हैं। तो पहला इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के बाद एक अल्पविराम होता है, यानी कि पहले 3 संख्या उसके बाद अल्पविराम, फिर अब जितनी भी संख्या आएगी वो 2-2 संख्या लेनी है, तो 0 और 7 उसके बाद अल्पविराम, इन दोनों के बाद यहाँ पे अल्पविराम आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी जो संख्या है भारतीय पद्धति में कैसे अल्पविराम लगाए जाते हैं फिर से एक बार, तो जो संख्या बड़ी संख्या होती है या फिर जो 4 अंक की 5 अंक की संख्या जो है उसमें पीछे की इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी कि तीनों को साथ में ले लेना, उसके बाद एक अल्पविराम होगा, उसके बाद 2 संख्या, उसके बाद अल्पविराम, उसके बाद 2 संख्या, उसके बाद अल्पविराम, उसके बाद 2 संख्या, ऐसी बड़ी संख्या हो तो इसी तरह उसको अल्पविराम किया जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर लेना है तो कैसे ले सकते हैं, जैसे कि हमको दिया है कि 5, 6, 8, 0, 9, 7, 2, 8 ऐसी संख्या है। अब इसमें अल्पविराम कहाँ पे आएगा? तो जैसे यहाँ पे सिखाया उसी तरह से, पहले 3 संख्या उसके बाद अल्पविराम, फिर उसके बाद 2 संख्या उसके बाद अल्पविराम, फिर उसके बाद 2 संख्या उसके बाद अल्पविराम। ये हो गया भारतीय पद्धति से अल्पविरामों का प्रयोग। तो भारतीय पद्धति से ऐसा अल्पविराम किया जाता है। तो यहाँ पे जो संख्या है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 और ये हो गया करोड़। तो करोड़ आया तो यहाँ पे इसका नाम लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? इसका नाम लिखना हो तो ये क्या है, करोड़ आया, कितने करोड़ है? तो 5 करोड़। तो 5 करोड़। फिर यहाँ पे था 10,00,000, 10,00,000 यानी कि दोनों को साथ में लेना है 68, तो क्या बोलते हैं 68,00,000, 68,00,000 हो गया। फिर यहाँ पे 0, 9, 9 यानी कि 0 तो 0 होता है कोई संख्या में होता नहीं, तो 9, 9,000। फिर भी तीनों को साथ में लेना है 728, 728। तो ये जो संख्या है उसका हो गया ये उदाहरण, यानी कि 5 करोड़ 68,00,000, 9,000
तो ये हुई भारतीय पद्धति। बराबर मालूम पड़ेगा ना भारतीय पद्धति में कहां कहां अनुयोजन होता है, तो तीन संख्या, उसके बाद दो संख्या, दो संख्या, दो संख्या, ऐसे करते जाना है। छोटी संख्या हो तो जैसे कि हमको दिया है 6225, तो यहां पे अल्पविराम कहां पे होगा, तो यहां पे तीन संख्या, उसके बाद ये अल्पविराम हो गया। बराबर, तो ये भारतीय पद्धति हो गई। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है जिसमें आपको ऐसी संख्या यहां पे लिखते हैं कि 4 5 6 8 7 0 2, ये हो गई 7 अंक की संख्या। तो यहां पे क्या करना है, तो यहां पे हम क्या करते थे भारतीय में पहले 3 2 2 2 ऐसे लिखते थे, यहां पे 3 3, फिर यहां पे 3, तो ऐसे 3 और 3 3 3 के लिए हमको जोड़ियां बनानी है। तो ये 3 है, ये 3 है, फिर उसके बाद यहां पे जो संख्या होगी वहां पे भी आपको 3 3 देनी है। तो यहां पे अल्पविराम आएगा, यहां पे अल्पविराम आएगा, तो 3 3 की, तो यहां पे जो संख्या होगी उसका तो आपको मालूम पड़ेगा कि 702 है, हां, तो वो लिखने में आसानी रहेगी। ये जो है 568, उसके लिए यहां पे आएगा हजारों, क्या आएगा हजारों। फिर ये जो है वो आएगी मिलियन में, इसको हम बोलेंगे मिलियन। तो इसका नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इसका नाम, तो ये 654, तो प्रश्न लिखो, उसके आंसर लिखो, जो प्रश्न होंगे जो हमने वीडियो बनाए हैं, जो आगे वाले भी वीडियो है, वो सभी वीडियो इसमें यानी कि प्रश्नावली 1.1 में जितने भी प्रश्न हैं वो आपको देखोगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मालूम पड़ेगा, नहीं मालूम पड़े तो वीडियो देखना और फिर प्रश्नावली अच्छी तरह से उसके आंसर लिखना। तो ये होमवर्क में है आपकी प्रश्नावली 1.1, वो आपको कॉपी में लिखना है, ये भी जो है वो भी कॉपी में लिख देना और फिर होमवर्क करना कि प्रश्नावली 1.1 वो आपको